प्रॉपर वे में अगर पढ़ा जाए ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो कि पढ़ रहे हैं पता लगा फिजिक्स, लेकिन नोटिफिकेशन किसी और चीज का आ रहा, उनका मैसेज आने लगता है, आप बोरिंग ज्यादा महसूस करते हैं, वो वाला टाइम भी आपका प्रॉपरली यूटिलाइज। बाद में आप ऑफलाइन होके देखो, उससे आपका फोकस बना रहेगा, किसी का नोटिफिकेशन किसी का मैसेज नहीं आएगा। तो यार सिलेक्शन लेना है दिल में, यही बात रखो, और घबराना नहीं है थोड़ा सा भी। बहुत से बच्चे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या भैया ऑनलाइन पढ़ के हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो और क्या प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, और कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कर सकते हो, आपने एक स्टोरी देखी होगी अभी अलग सर अपलोड किए हैं, जो कश्मीरी बॉय था, उसने कितना हार्डवर्क करके ऑनलाइन जो फ्री यूट्यूब पे पढ़े हैं उससे करके पढ़ाई करके उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो आराम से कर सकते हो, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा एक गाइडेंस और प्रॉपर वे में अगर पढ़ा जाए ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा मेनली आपको कि क्या शेड्यूल रखना है, क्योंकि ऑनलाइन में आई स्ट्रेन मतलब आँख पे दिक्कत बहुत आने लगती है, और डिस्ट्रैक्शन इतना है सोशल मीडिया का कि पढ़ रहे हैं पता लगा फिजिक्स, लेकिन नोटिफिकेशन किसी और चीज़ का आ रहा, उनका मैसेज आने लगता है, तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो यही बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका, कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे आपके लिए, और कैसे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसे एक प्रॉपर वे में कैसे रिवाइज करें। ठीक है, तो देखो मैं ऑनलाइन किया था, मैंने जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने ऑनलाइन लिया था क्योंकि सस्ता था ऑब्वियसली, और ऑनलाइन लेके मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन करी थी, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करी थी। ठीक है, अब ऑनलाइन में मैं क्या प्रॉपर वे फॉलो करता था, मेरा शेड्यूल क्या रहता था कि देखो सुबह 11-12 बजे तक तो मैं लेक्चर ही नहीं अटेंड करता था, क्योंकि उस समय जो होता है ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि मैं पढ़ लूँ, जितनी भी चीज़ें हैं उतनी पढ़ लूँ, रिवाइज कर लूँ प्रॉपरली। तो यही आप भी कीजिए कि जो ये टाइम है ना जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपको थकावट कम लगती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है और सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, अब क्या करो, लंच 12-1 बजे के बाद करने के बाद आप 2-2.5 घंटे का लेक्चर देख सकते हो, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता ही है, आप उसे अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद में उसका नोट्स वगैरह जो भी बनाना है प्रॉपरली बनाओ, क्वेश्चन लगाओ उसके, उसके बाद में फिर अगर आँख पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, थकावट लग रहा है, छोड़ दो। ठीक है, फिर दूसरा कोई टॉपिक पढ़ लो, और फिर जब शाम में आपको 4-5 बजे बोर लगने लगे फिर लेक्चर देख लो। तो ऐसे करने से ना आपका आप बोरिंग ज्यादा महसूस करते हैं, वो वाला टाइम भी आपका प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। और देखो अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें, उनका मैसेज आ जाता है इसलिए परेशान हो जाते हो, तो यार सबसे अच्छा रहता है ना कि आप जो लेक्चर यूट्यूब से या कहीं से भी कर रहे हो आप उन्हें डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में आप ऑफलाइन होके देखो, उससे आपका फोकस बना रहेगा, किसी का नोटिफिकेशन किसी का मैसेज नहीं आएगा, तो आप उतना परेशान नहीं होगे। ठीक है, और आराम से अपना चीजें आप फोकस होके कर लोगे। तो उम्मीद बैच जो यूट्यूब पे पढ़ा वो भी फ्री है, अलग सर का पुराना लेक्चर है, जो टॉपिक तुम्हारा वीक ज्यादा है उसे जो डिटेल लेक्चर है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, पीडब्ल्यू पे ही पड़े हैं बहुत सारे लेक्चर फ्री, उसे कवर करो तुम, और जो तुम्हें आता हो थोड़ा बहुत ठीक है उसको तुम क्या करो कि जो उम्मीद बैच है, उम्मीद बैच बेस्ट था मेरे लिए भी, मैंने भी रिवीजन उम्मीद बैच से ही करी थी, जो जो टॉपिक मेरे वीक लग रहे थे, ऐसा कि नहीं मैंने पूरा रिवीजन किया था, क्योंकि जो मुझे आते थे मैं सोचा कि उसमें टाइम बर्बाद करने से मतलब नहीं है, उससे अच्छा 2 बार रेड में खुद से मान लूं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको आप डिटेल में पढ़िए, और अच्छे से प्रॉपरली उसका नोट्स वगैरह जो भी बनाना है जैसे आपको समझ में आए करिए। और अब कहते हैं कि टीचर कौन से फॉलो करें, टीचर्स तो देखो यार बहुत पढ़े हैं, बायोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक तरुण सर, मनीष दुबे सर, और ऋतु मैम जो अनअकैडमी पे हैं वो भी बहुत अच्छा बताई हैं, तो मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया है उनका, बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे उनसे, बेहतर बताती हैं, समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो और अगर ये बायोलॉजी तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, जो रिपीटर बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है तो तुम क्या करो ना, गंगवार सर का 1x1 लेक्चर है, ठीक है, डॉक्टर हरिओम गंगवार का, एनसीईआरटी रीड किए हैं वो, और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं, और लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे में एक चैप्टर हो जा रहा, तो तुम अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो भी लगभग 1 घंटा लग जाएगा, और बहुत सी पॉइंट मिस हो जाती हैं, तो तुम उनका लेक्चर अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे क्या होगा तुम्हें कि जो तुम्हारी पॉइंट छूट रही होंगी ना वो पॉइंट तुम्हें आराम से आ जाएंगी। और मैंने बायो ऐसे ही रिवाइज किया था, 2 बार मैंने उनका वन शॉट वाला जो लेक्चर था ना वो देखा था, तभी 350 नंबर आए थे, क्योंकि बायोलॉजी के लिए तो हिज अ जेम। ठीक
ठीक है। तो आप बायोलॉजी के लिए इतने टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, ये तरीका फॉलो कर सकते हो जैसा मैंने बताया। अब फिजिक्स की बात करें तो आप अलग पांडे सर से पढ़ सकते हैं, बेस्ट हैं, और नहीं तो मोहित त्यागी सर के चैनल पे भी लेक्चर काफी पढ़े हैं, लेकिन वो जेमेंस तक पढ़ाते हैं, तो लेकिन लेकिन सेम ही लगभग है नीट के जैसा ही। मैंने कुछ जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह थे और रे ऑप्टिक्स थे, 12th के चैप्टर मोस्टली मैंने वहीं से कवर किया था मोहित त्यागी सर के चैनल से। और बाकी जो ये था क्या बोलते हैं आपका, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने अलग सर से देखी थी, और मैं ऑफलाइन कर रहा था तो मैं उतना ऑनलाइन पे फिजिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ मैं 12th पे ध्यान दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ऑफलाइन करते हैं ना तो टीचर स्लो पढ़ाते हैं, तो उसी टाइम मैं अपना 12th कवर कर रहा था। जब स्टार्टिंग, जैसे कोई भी बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है तो मास्टर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाता है बस, 2-2.5 घंटे के लेक्चर में, तो मैं वो टाइम को, क्योंकि टाइम बहुत बच रहे थे, तो मैंने मोहित त्यागी सर के लेक्चर देख के वो टाइम को यूटिलाइज किया, ताकि मतलब आगे मेरे को थोड़ा बर्डन कम हो जाए और रिवीजन करने के लिए मेरे पास टाइम बच जाए। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, कि मतलब अपने तैयारी में, कि ऐसे मैं करके अच्छा स्कोर कर सकूं, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए तो देखो, तुम्हें जो जिनका लेक्चर समझ में आ जाए बढ़िया है। और मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको, न्यू लाइट की चैनल है, उसमें परवेश सर हैं एक, वो उनका इनऑर्गेनिक देख लो, मतलब काफी लंबे है, 2x पे करके देखना भाई ये, वो तुम देखोगे ना तो उसमें ऐसा बताया है कि जो जो पॉइंट वो हाईलाइट करेंगे ना, लिख के दे दूं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तुम इनऑर्गेनिक जब पढ़ते होगे ना तो पूरा एकदम ग्रम्बल हो जाता होगा दिमाग में, एकदम पूरा खिचड़ी पक जाती होती, कुछ नहीं याद रहता ना। लेकिन तुम उनका वन शॉट पढ़ा है, मतलब पूरा नहीं कवर किए हैं, 4-5 वीडियो होंगे, मतलब 4-5 वीडियो होंगे, उसमें उन्होंने काफी चैप्टर्स कवर कर लिए इनऑर्गेनिक के। तुम प्रवेश सर का पुराना है, मतलब व्यूज व्यूज पे बहुत कम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर जाऊँ न्यू लाइट के जो बच्चे होंगे ना वो जानते होंगे कि कितना ही इंपॉर्टेंट है वो, जिस हिसाब से प्रवेश सर बताए हैं वो बहुत बेहतर है, उसी में से क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हें मिल जाए, पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन पैटर्न में आते हैं, यहाँ से पिकअप करता है लाइन, ऐसे लाइन पिक करता है, तो फिर झंझट ही क्या पालना, वैसे ही पढ़ाई करो ना, इजी करो ना अपना लाइफ, क्यों टफ बना रहे हो, ठीक है। और रिवीजन करने की बात करें तो सुबह का टाइम तुम रखो अपना 11 बजे तक, जैसे मैंने बताया, लेक्चर बोरिंग टाइम में देखो, ठीक है, जो टाइम बचे इधर वाला सुबह वाला, इसमें रिवाइज करो। बायोलॉजी का रिवीजन का वही तरीका बेस्ट रहेगा कि तुम एनसीईआरटी जितना रीड कर ना पाओ रीड कर पाओ, क्वेश्चन लगा सकते हो प्रीवियस ईयर पे, ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे। फिजिक्स के लिए जितने न्यूमेरिकल्स लगा सको लगा लो, ठीक है। देखो बायो ऐसा है कि बायो तुम्हें बार बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ पाओ। फिजिक्स ऐसा है कि जितना तुम न्यूमेरिकल लगा पाओ लगा लो, आधा घंटा थ्योरी पढ़ो फिर जितना न्यूमेरिकल लगा पाओ लगाओ, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। केमिस्ट्री में आपको मिक्स करना है, थ्योरी भी पढ़नी है और आपका वो भी लगाना है। और किस टाइम देखो, जैसा एक पेपर चार्ट में पिछली वीडियो में भी केमिस्ट्री वाले बताया था, एक पेपर पे उसकी हेडिंग लिख लो बायो का रिवाइज करने के लिए, और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में रिवीजन भी ऐसी काफी हेल्प मिलती है। एक पेपर पे हेडिंग्स लिख के उसे रिकॉल करा करो, जब आप फ्री टाइम हो, खाना खाने बैठे या घूम रहे हैं वॉक कर रहे हैं, तो उसमें आप रिकॉल करने की कोशिश करो, उससे आप चीजें जो है ना आपके दिमाग में इकट्ठा रहेंगी, ये नहीं रहेगा कि आपको बार बार किताब से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था, बता रहा हूँ वही प्रॉपरली, मैं ऐसे करता था, तो आपको बता रहा हूँ ताकि रिवीजन का जो एक रहता ना कि बच्चे किताब देख के रिवाइज करते हैं, किताब देख के नहीं रिवाइज करनी है, रीड करो तुम 2-3 बार पढ़ना पढ़ो, लेकिन जो एक होता है कि दिमाग में कितना रिटेन रह गया, उसको आपको क्या करना है, जो हेडिंग्स होती हैं उसको लिख लो एक पन्ने पे, चाहे बायोलॉजी के चाहे केमिस्ट्री के। आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ये, जिससे कि फिजिक्स का फॉर्मूला जो है उसको रिकॉल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में ऐसे ही रिकॉल किया हूं, बहुत मजा आता था रिकॉल करने में, और चीजें दिमाग में इकट्ठा रहती थी, तभी हो पाएगा कुछ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो मेरे यार, सब हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे। जब मैं कर लिया, एक एवरेज स्टूडेंट सरकारी स्कूल पे पढ़ाऊंगा, मालूम सोचो आप लोग, 8-9 तक क्लासेस मेरी सरकारी स्कूल की रही हैं, तो जब मैं कर लिया तो तुम लोग आराम से कर लोगे। यूपी बोर्ड का मैं भी हूं, और जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, थोड़ा सा भी परेशान होने की बात नहीं है, सब कर लोगे यार। थोड़ा टाइम लगता है किसी को, किसी का जल्दी हो जाता है, बस लगे रहो, ठीक है, लगे रहना। और मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा हूं, जस्ट 1 महीना बचे हैं फर्स्ट ईयर एग्जाम के, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ाई करो, बाकी इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लो, कमेंट में पूछो कुछ भी डाउट, मैं दूसरे वीडियो में ऐड करूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। जो भी दिक्कत है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो यार, सिलेक्शन लेना है दिल में यही बात रखो, और घबराना नहीं है थोड़ा सा भी, बस मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।